ओम शांति। ओम शांति। और आप ज्ञान में कैसे और कब आए ये हमारे दर्शकों को बताइए। हुआ ये था कि 1993 की बात है, मैं मेरी पोस्टिंग राजस्थान के कलंदरी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के कलंदरी गांव में थी और वहाँ हम सर्विस करते थे, क्वार्टर मिला हुआ था। तो एक दिन मैं वहाँ डस्टिंग कर रही थी, ऊपर जैसे झाड़ते थे ना, तो स्टूल पे चढ़ी हुई थी और अचानक मुझे थोड़ा चेस्ट में और चेस्ट के नीचे दोनों जगह भारी पर लगा। अच्छा। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। तो उसी समय मेरे को एकदम से ख्याल आया कि अगर मैं गिरूंगी तो मुझे ना हेड इंजरी हो जाएगी। तो फर्स्ट में तो मैंने एकदम से मेरे हस्बैंड को आवाज दी और ना यहाँ डबल बेड लगा हुआ था उस पर मैंने अपना डायरेक्शन किया ताकि मैं गिरते गिरते भी सर ना फूटे। तो एकदम से मैं उस पर गिर गई और मुझे आवाज आई धड़ाम करके। लेकिन सेकंड मोमेंट एकदम अगले क्षण मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं यहाँ स्कूल के ऊपर या मतलब जमीन से 6 फीट की हाइट पे मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ और एक तरफ में मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर तो वहाँ गिरा हुआ है तो मैं उसी को अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं दिखाई देने लगी अपने आप को कि मैं वहाँ पलंग पे अपने आप को देख रही हूँ और इधर मैं जो है अपने आप को यहाँ महसूस कर रही हूँ। तो मैं एकदम हैरान और परेशान हो गई कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, मैं दो बन गई। तो फिर एकदम से मुझे लगा कि मैं हूँ तो यहाँ ऐसे कैसे हूँ जैसे मैं भूखी हूँ। मुझे लगा कि मेरे दिखाई तो सामने ही पड़ रही है बॉडी मेरी गिरी हुई, लेकिन मैं महसूस अपने आप को यहाँ 6 फीट ऊपर कर रही थी। और उस दौरान मुझे ऐसे लगा कि मेरे हाथ पांव सर मस्तक पूरी बॉडी मेरी जैसी शेप मेरी अभी भी है। तो मैं बहुत परेशान हुई और मैंने सोचा कि मैं क्या हुआ मेरे साथ, मैं दो कर गई मुझे। तो मैं वही बेडरूम में एक ड्रेसिंग टेबल थी उस पर मिरर था, तो मैं सोचा देख लूं मैं दो हो गई क्या। तो मैंने जाके उसके सामने मैं यूं मूव करके देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वहां मैं दिखाई नहीं दे रही और जो मेरे पीछे फ्रेम है वो मुझे उसमें दिखाई दे रहा है। अब मुझे वो घबराहट हो गई कि मैं इनविजिबल कैसे हो गई, मतलब वो अस्तित्व महसूस कर रही हूँ और शीशे में भी नहीं दिख रही हूँ, तो मुझे और ही ज्यादा घबराहट हो गई। तो मैं एकदम से मन से बोली कि हे भगवान, मतलब बोल पा रही हूँ मैं ऐसे पर मेरे शब्द नहीं निकलते हैं, ये क्या हो गया, कोई है मुझे मेरी मदद करो, क्या हो गया मुझे बताओ तो सही। तो अचानक जैसे मैं ये बोली हूँ ना तो मुझे लगा कि मेरे सर पे कुछ तरंगे आकर के टच हुई है और वो तरंगों की महसूसता ऐसी थी जैसे दो मैग्नेट होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है ना, आपने ताकत महसूस कुछ इस तरह का, मतलब उसमें एनर्जी फील हुई मुझे। और वो जो तरंगे जब मेरे मस्तिष्क से जुड़ी है तो उसमें मुझे लगा कि आवाज है साथ में। तो वो शब्द है वो कह रहे पूछ रहे मुझे कि बताओ तो तुम ये जानना चाहती हो। तो मैं बड़ी आश्चर्य में कहा हाँ मुझे ये जानना है मुझे क्या हो गया, मैं दो कैसे हो गई। तो उसने कहा देखो, अब देखो कहा तो मुझे अपने आप से पता नहीं कैसे उस साउंड के साथ डायरेक्शन मिलती है कि मुझे लगा ये मुझे अपनी बॉडी देखने के लिए कह रहा है। तो मैंने अपने शरीर को देखा तो पहले जो शरीर मेरा बिल्कुल कपड़े पहने हुए मैं गिरी हुई हूँ, अब मुझे वो कपड़े और स्किन चमड़ी नहीं दिख रही, वहां पे मुझे लगा ये कांच का हो गया एकदम और अंदर के जो अंग है वो ऑर्गन्स मुझे दिखाई दे रहे। तो मैंने देखा मेरा लिवर किडनी आते मंथी सब ठीक दिख रहा है मुझे, एक हार्ट जो है वो गड़बड़ हो रहा है, तो हार्ट जो है वो ऐसे फ्लटर कर रहा है, मतलब कोई 300 की स्पीड होगी 250-300 की, मतलब इतना तेजी से धड़क रहा है कि उस हार्ट में पंपिंग शोर तो हो रहा है लेकिन ब्लड मेरे को डॉक्टरी हिसाब से समझ में आया कि पंप नहीं हुआ। तो ये मोटर जो है सिर्फ शोर कर रही है और ब्लड पंप नहीं कर रही, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो इश्चिमिया से पेन होता है। तो मुझे लगा कि हाँ मेरे को ये इश्चिमिया हो गया, ये हार्ट इस तरह से पंपिंग नहीं कर रहा है, ब्लड को सिर्फ धड़कने हैं इसमें और दर्द हुआ तो मैं ना इससे बाहर कूद गई। ये मैंने ऑटो एक्सप्लेन कर लिया अपने आप को उसकी सुपरविजन में, पता नहीं वो कैसा ऑरा था उस शक्ति का। तो जैसे मैंने अपने आप को ये समझाया और एक्सप्लेन किया अंदर में कि मैं इसमें कूद गई तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई, मुझे लगा कि हाँ मैं दो नहीं हूँ, मतलब ये तो मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट या कवरिंग है और मैं इसमें से कूद जाती हूँ ऐसे। तो मुझे लगा कि मैं नहीं हूँ, पर मुझे आगे पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन शब्दों का नहीं था, तो मैं बहुत रिलैक्स फील किया एकदम से। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ बहुत ही शांति
और हल्कापन महसूस कर रही हूँ। इतना अच्छा आनंद आया ना मुझे, मैंने कहने क्या बताऊं कि मुझे लगा जीवन का सच्चा आनंद इस पोजीशन में है, इस अवस्था में। ये मेरी कौन सी अवस्था है जीवन की, एकदम हल्की हूं मैं। मुझे लगा मैं ऐसे संकल्प से मुंह करूंगी ना तो मैं मुड़ के बाहर चली जाऊंगी, इतनी हल्की मैं महसूस कर रही। और मुझे मैंने फील कर लिया था ड्रेसिंग टेबल के आगे जाने के दौरान, तो मुझे लगा कि मैं इतनी हल्की हूँ, इतना आनंद है। और मुझे नहीं मालूम कि वो जो बॉडी गिर रही है वो क्या रखना है, मुझे सुने ये भी नहीं मालूम कि होता क्या वो क्या है। और जबकि मैंने जो आवाज दी थी हेल्प के लिए पुकार था, तो मेरे हस्बैंड और दूसरे स्टाफ वहाँ वो बॉडी पे कसरत कर रहे थे, मतलब उसको रिवाइव करने के लिए। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि तुम अपना हाथ उठाओ, बीपी नापना है मुझे, तुम कुछ बोलो। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि अजीब लोग हैं, मुझे तो देख नहीं रहे और इस शरीर से बात करके बोल रहे कि हाथ उठाओगे, कैसे हाथ उठाए, मैं तो यहाँ और मुझसे तो ये बात ही नहीं कर रहे, उसी की तरफ मुंह कर रखा है। मतलब मुझे बस ये इनोसेंटली ये सब समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ये तो चलो करने दो, इन्हें जो भी कर रहे हैं, मैं तो बाहर चलती हूँ, कितना हल्का लग रहा है। तो मैं जैसे ही कमरे से बाहर उड़कर जाने को हुई तो वो साउंड फिर मेरे से जुड़ गई और फिर बोला कि ठहरो, नहीं नहीं ठहरो। मैंने सोचा यार अब ये शक्ति कौन है जो मुझे रोक रही है, क्योंकि अब तो मैंने इससे पूछा भी नहीं, पहले तो मैंने कहा था कोई मदद करो तो चलो कोई मदद करने आया, पर ये तो बहुत गजब है, मतलब कि इसकी सुपरविजन मेरी आंखों मेरे ऊपर, इसकी निगाहें हैं तो ये तो मेरे ऊपर नजर रखे हुए। परंतु उस शब्दों के साथ मुझे ये एहसास भी आ रहा था कि ये मेरी कोई हितेशी है और ये मेरे ऊपर ध्यान रखती है, मेरे भले के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये जो कुछ भी कह रही है मुझे आगे पालन करना पड़ेगा। आप जब इसने रोक दिया है तो मैं बाहर नहीं जा सकती, ऐसा मेरे को अंदर से महसूस हुआ कि जैसे मैं इसको मतलब अभी परिचित होकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कौन है जान नहीं पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा, पर ये कोई है तो मेरा अपना हितेश है, कोई शक्ति ऐसी है जो मैं इसको जानती हूँ और जिससे हमेशा मैं जुड़ी हुई हूँ कुछ। तो मैंने कहा कहना तो मानना पड़ेगा, मैं इसे भी सोगे नहीं करूँगी। तो फिर कमरे में ही रुक गई, फिर कमरे में देखूंगी तो क्या कि वो शरीर की मेहनत कर रहे हैं। तो अचानक मैंने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा, तो मैंने देखा कि इनका चेहरा जो अभी पीला पड़ा हुआ था क्योंकि वो शरीर में जाने नहीं है, उनको पल्स नहीं आ रही, उनको ब्लड प्रेशर नहीं होना, तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, तो अभी उनका चेहरा एकदम से गुलाबी हो गया। तो अब मैंने सोचा कि इनके क्या हुआ ऐसा जो गुलाबी हो गया, तो मुझे ऐसे वहां पर शक्तियां महसूस हो रही है अलग अलग तरह की, जैसे मैं इनके मन की बात जैसे मुझे जानना है कि अब क्या हुआ जो इनका चेहरा गुलाबी हुआ, तो मैं सीधा उनकी ना जैसे यहाँ से कनेक्ट हो जाती हूँ और उनके संकल्प पढ़ लेती हूँ उनके अंदर। तो उनके अंदर ये चल रहा था कि अभी सिस्टम ठीक हो रहा है और उन्होंने पल्स फील कर लिया, तो उसमें वॉल्यूम आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया। तो मैं भी डॉक्टरी जैसे ज्ञान मुझे वहां है इस बात की अभी उनसे कि मैं नॉलेज है मुझे कि मैं डॉक्टर हूँ इस तरह का, तो मुझे भी लगा कि अच्छा है तो पल्स बीपी आ गया इस इंस्ट्रूमेंट का जो भी है इसके शरीर में, तो इनकी समस्या खत्म हो गई। मैंने कहा अच्छा ही है, चलो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो टेंशन फ्री हो गए। तो मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये मेरी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बिल्कुल रिलैक्स वहां पे फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा है चलो इनकी समस्या खत्म हुई और बड़ी टेंशन थी ये तो हो गया ठीक। पर जैसे मैंने कहा कि चलो ये तो ठीक हो गया, तो वो ऊपर से फिर कनेक्ट हो गया, जैसे मैंने अंदर में ये सोचा ना कि इनकी समस्या खत्म हो चलो सिस्टम ठीक हो गया, तो ऊपर से फिर कनेक्ट हो गई और वहां से एक साउंड आई तो अब तुम संतुष्ट हो। तो मैंने फिर से उसको देखा कि हाँ शरीर में हार्ट जो है वो 70 से 80 से दर्द रहा है और सारा सिस्टम ठीक है। तो मैंने उसको देखी कहा हाँ अब ये ठीक है सिस्टम, तो उसने कहा कि अब तुम संतुष्ट हो, मैंने कहा हाँ ठीक है ये काम कर रहा है। तो उसने कहा कि जाओ, एक शब्द हो रहा है और उसके जाओ शब्द कहना था और मेरे यहाँ से अस्तित्व गायब हो गया। मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मैं पलंग पे पड़ी हूँ और वहां मैं पहुंच गई हूँ और उस शरीर के अंदर मैं इतना वीकनेस फील कर रही हूँ, मैंने जैसे मतलब मेरी चूस किया गया हो, मेरे शरीर की सारी ताकत जो बाहर मैं इतना एनर्जेटिक इतना लाइट इतना आनंद से हल्का फील कर रही थी ना, उस बॉडी के अंदर जाते ही मुझे ऐसा लगा और तब मुझे ऐसा मतलब क्या बताऊं मैं, इस फीलिंग की खुशी थी तो वहां अंदर घुसने का इतना दुख हुआ मुझे कि मैं तो अरे आज मुझे सोच रही हूँ मैं तो कोई चीज पंछी जैसा कुछ हूँ और इस पिंजरे में कैद हो गई, अरे मामा मुझे तो अंदर घुस गई हूँ मैं तो इसके।
और मेरे को लगा मेरे हाथों में जान नहीं है, मेरे शरीर में कितने वीकनेस है, और मैं उसकी सारी क्रियाविधि को महसूस कर रही तो मैं आंखों में मेरे ना आंसू आ गए ये सोच करके कि क्या हो गया मेरे साथ, तो कैसी हकीकत हो गई। तो मैंने अपना हाथ उठा के ना ये महसूस करना चाहती मेरे आंसू पहुंचू है, देखो सचमुच आए हैं ना, मुझे कोई सपना तो नहीं आ गया। तो मैं अपना हाथ उठा रही थी तो मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी कि हाथ उठा नहीं मुझसे। तो फिर मैंने सोचा, तो मेरे हस्बैंड ने इशारे से कहा आराम करो कुछ मत बोलो वीकनेस है मुझे। तो फिर मैं लेटी रही और उसके बाद मैं 3 दिन तक आईवी फ्लूड पे लेटी रही, मतलब ड्रिप करती रही ग्लूकोज, और मेरा दिल नहीं हुआ मैं किसी से बात करूं, और मैं सिर्फ उसी में सोचती रही, उस एहसास को जीती रही कि कैसा वो क्षण थे जब मैं बाहर थी, इतना आनंद और इतना हल्कापन, कितनी शांति थी। और अब मुझे लग रहा था कि मैं इस पिंजरे में कैद हूँ और इस शरीर के बोझ के साथ मैं इस दुनिया में घूमूंगी। तो ये तो था मेरे जीवन का एक मूल्य। अब इससे क्या हुआ कि जैसे मैं कुछ दिनों में ठीक हुई और फिर उठ करके नॉर्मल रूटीन में आई, तो मुझे ना ये दिमाग में एक बस गया कि मेरे को वो जीवन बाहर जो मैं थी ना हल्का फुल्का, इस शरीर में रहते हुए मुझे वैसा जीवन जीना। अब मैं ये समस्या में थी कि ऐसा जीवन जीने की चाबी तो वो कोई खाक मिला था उसके पास है, अब मैं बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे, आता नहीं निकलना घुसना भी उसकी चाबी हाथ में, पर मेरे को जीवन तो वही जीनी है। अब मैंने क्या किया कि सारे वेद शास्त्र और जो भी दूसरे ग्रंथ धार्मिक बुक्स हैं, इवन बाइबल कुरान, सबको रेफरेंस बुक की तरह देखा, पढ़ा नहीं गहराई से, पर ये देखने की कोशिश की कि जो मेरा अनुभव था क्या उसका एक्सप्लेनेशन कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिला। गीता मैं बचपन से पढ़ती थी, परंतु वो इसलिए कि हमारी माता जी हमको शरद के महीनों में पढ़वाती थी, उसको भी कभी अकल में धारण नहीं किया था, सिर्फ रीडिंग लगाते थे, पर वहाँ थोड़ा थोड़ा तो सुना था कि जैसे कोई आत्मा होते हैं। दीदी आपकी जो अनुभव है बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है, तो आप बताइए इसके बाद क्या हुआ, क्या उस शक्ति से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, ये आप सच कह रहे हो कि मतलब मेरे जो कहते हैं ना वो मुन्ना भाई अभी भी इसमें कहते ना गांधी जी की एक पिक्चर थी कि उसके दिमाग में गांधी जी का लोचा हो गया था, मेरे भी दिमाग में कुछ उस घटना के बाद ऐसा ही लोचा हो गया। मुझे लगने लगा कि ये जो विधि है ना अंदर घुसना बाहर निकलना, ये मुझे जाननी है और ये विधि अब वही बताएगा जो इनविजिबल पावर थी ना जिसने मुझे अंदर घुसाया। अब क्या हुआ, सब जगह रेफरेंसेस देख लिए, बुक्स में नहीं मिला, मुझे कोई विधि नहीं समझ में। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जैन जो जैन महाराज होते हैं उनके उपासकों में भी गई कि वहाँ अनुग्रत वगैरह की बातें बताते हैं कोई, वहाँ भी मैंने जाके पूरे तौर पे मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कोई विधि आप जानते हो कि ऐसे बाहर निकल सकते हैं अंदर घुस सकते हैं, तो उन्होंने भी सामर्थ्य असमर्थता महसूस की, उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसी विधि तो अभी तक हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ हम ध्यान करते हैं साधना करते हैं तो ईश्वर से मतलब योग लगता है, हम जुट जाते हैं। मैंने कहा वो नहीं, मुझे तो ऐसा चाहिए कि मतलब शरीर से मैं बाहर हो जाऊँ, अपनी मर्जी से अंदर हो जाऊँ और उस आनंद वाली अवस्था को महसूस कर लूँ। तो सब जगह मैंने मतलब पता किया, हर जगह जाकर आई लेकिन नहीं मिला। तो ऐसे करते मुझे करीब 1.5 साल समय खराब हो गया मेरा। फिर मुझे लगा कि ऐसे नहीं होगा, तो इसी दौरान क्या होता है कि मैं जब भी उस जीवन को जी रही थी उसके बाद, तो मैंने ये भी नोट किया कि जैसे मैं जीवन में कोई गुस्सा करूं, क्रोध कर लूं या किसी से लड़ाई झगड़ा कर लूं, है ना, तो मेरे को जब फिर मैं वापस, मेरे को क्या वो आनंद के क्षण बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसको जब याद करती थी ना, तो ये गुस्सा करने से और ये बातें होने से मेरे अंदर ऐसे लगता था कि वो विचार जो है ना बार बार पैदा होते हैं और वो आनंद के क्षणों को रिमाइंड करने में भी दिक्कत पैदा करते हैं, वो आ जाते हैं, तो मैं उन क्षणों को वापस से उस खुशी को अनुभव नहीं कर पाती थी। तो मुझे अंदर में लगने लगा कि मुझे ना दुनियादारी में गुस्सा उस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के ऊपर ज्यादा तनाव में बात नहीं करनी है, तनाव रखना भी नहीं है। इसी तरह मैं फील करती थी कि बॉडी टच भी अगर हम करेंगे ना ज्यादा, तो जैसे भाई अपना मैरिटल लाइफ में जो बॉडी टच होता है उसको जैसे कर लिया उसके बाद पहली बार, तो उसके बाद मैं वापस से मुझे ऐसा मतलब उसका उस सीन का ऐसा एडिक्शन हो गया था कि मैं उस आनंद के क्षणों को बार बार जीना चाहती थी और वो मेरे को कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अभ्यास करने लगी ऐसे कि कोई नहीं बताएगा मुझे, कोई विधि नहीं कहीं मिल रही है, तो
मैं रोज मतलब मुझे ऐसा लगता रातों को मैं जागती रहूं और जाग करके उसी फीलिंग को एंजॉय करूं। तो मैं ऐसा करके बार बार सोचने लगी, मैं ये मेरा इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने छोड़ दिया, ये शरीर मेरा गिर गया। वही घटना को दोहराती कि ये मेरा शरीर मैंने गिरा दिया, गिर गया और मैं बाहर निकल गई थी। और बाहर निकल कर कितना अच्छा लग रहा है, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। शुरू शुरू में मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई कि ये क्या जॉब जैसे मजाक कर रही हूँ अपने साथ। लेकिन धीरे धीरे मैं वही करती रही कि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मैं उसे बहुत पुकार चुकी हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है। वो शायद उसी अवस्था में सुनता है जब हम उस तरह से अलग होते हैं ना इस शरीर से, तभी सुनता है। तो मैं वो अभ्यास करती हूँ और फिर कहती कि अब मैं कितना अच्छी लग रही हूँ, आनंद में महसूस कर रही हूँ, एकदम हल्की, बहुत शांति है। हाँ, अब मैं उसे पुकारती हूँ कि तू कौन है, कहाँ है, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे मैं रोज रोज अभ्यास करने लगी। तो ऐसे उससे तो मुलाकात होने में भी समय था, जब घड़ी आएगी तभी होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इस तरह अभ्यास करते करते फिर मैं ये महसूस करती थी कि इस अभ्यास को जब मैं जीती थी ना, रातों को भी दिन में भी कभी भी मेरा मन होता था तो मुझे बहुत एनर्जेटिक मैं फील करती थी इस अभ्यास के बाद। तो कई कई मिनटों तक मैं उसी सीन में खोई रहती थी, उसी दृश्य को देखती रहती और उसमें अपने आप को इतना महसूस करती। तो यहाँ मैंने महसूस किया कि जब हम बॉडी टच में जाते हैं, जैसे मैरिटल रिलेशंस होते हैं हस्बैंड के साथ, तो उनमें भी जैसे मैं गई और उसके बाद फिर से इसको मैंने दोहराया तो मुझे इतनी दिक्कत महसूस हुई, जैसे मैं उस सीन पर खड़ी नहीं हो पा रही, मैं उस सीन को क्रिएट ही नहीं कर पा रही। ऐसे लग रहा है मैं अलग हो ही नहीं पा रही हूँ। मैं जैसे रोज पहले कर लेती थी ना कि मेरा शरीर मैंने बाहर बड़ा हुआ, मेरा शरीर नीचे गिर गया और मैं यहाँ हल्की हूँ हवा में, तो वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे मैं शरीर के अंदर जकड़ी हुई हूँ। तो इस महसूसता ने मुझे ये एहसास कराया कि इस प्रोसेस में अगर मैं जाऊंगी तो मैं इस आनंद को खो दूंगी, और इस आनंद को मुझे पाना है तो उसे मुझे छोड़ना है। ऐसे करते करते मुझसे वो छूट गया। मुझे लगता था कि उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। पहले आपको ज्ञान आने लग गया जो बाबा कह रहे हैं। अनुभूतियां मेरे जीवन की ऐसी थी कि मुझे प्योरिटी क्या होती है जीवन में वो स्वयं समझ में आई कि इन सब की नींव जो बाबा कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति नींव है, फाउंडेशन है। तो वो मुझे प्रैक्टिकल में आने लगी कि मेरे को ये नहीं, और जो आनंद उसमें मिल रहा है उससे कई हजार गुना आनंद मुझे इस स्थिति में रहने से मिल जाता है। फिर से अभ्यास करती थी तो अचानक उसके बाद कुछ फिर क्या हुआ, सीक्वेंस में आगे घटनाएं होती चली गई। मैं उससे फिर उसके बाद एक घटना हुई, मैं ऐसे रोज वही अभ्यास किया करती थी। तो अब मुझे थोड़ा समझ आया था कि ये जो मैं शरीर से अलग अभ्यास करती हूँ ये मैं आत्मा हूँ, क्योंकि वो बहन ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा बाहर निकल जाती हूँ और अपनी विचारों की शक्ति से मैं अपना अपने आप को महसूस करती हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप को महसूस करती हूँ। पर फिर भी उससे भी जुड़ाव नहीं हुआ था, तो मैं उसको फिर कहती थी देखो मैं आत्मा स्वरूप में हूँ, अब तुम मुझसे जुड़ो और मैं तुमसे जुड़ रही हूँ, तुम मुझसे बात करो। ऐसे करते तो फिर मैं उसको कहती थी कि ये बताओ कि मैं तुम कहाँ हो। फिर तो एक बार मेरे को ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मैं ऐसे बैठी थी सुबह उठ करके, रोज 4 बजे 3 बजे ऐसे मेरी नींद खुल जाती थी, तो मैं उठ करके ऐसे अभ्यास कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं ना मेरी आंखों के सामने लगा कि मैं कोई सितारा हूँ, ऐसे वो पूरे शरीर में अपने घूम गया, घूम कर जैसे मैंने उसको मैनेज कर दिया और फिर वो सितारा मेरे यहाँ से बाहर निकला और वो बाहर निकला, मैं उसके साथ सवार हो गई सितारे के साथ, और फिर वो सितारा तेज स्पीड से रॉकेट की स्पीड से उड़ता जा रहा है। अब वो सितारा उड़ता हुआ जा रहा है जैसे चांद तारे से पार कर लिया, अचानक से लगा जैसे गहरा काला अंधेरा है, कोई सुरंग जैसी जगह वहां से पार हो रहे। तो मैं थोड़ा झिझक गई कि ये क्या डरावनी सी जगह, कहीं कुछ हो नहीं जाए मुझे, लेकिन इतनी स्पीड थी कि वो वहां से भी पार हो गया। और उसके बाद मैं एकदम पहुंच गई जैसे लाल रोशनी, मध्यम रोशनी होती है ना, डिम लाइट के एरिया में, हाँ मैं पहुंची थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी शांति की जगह थी, जैसे मुझे लगा बस मुझे यहीं आना था। फिर वहां पहुंच के मैंने देखा कि है क्या जगह, कहाँ आ गई मैं, कोई पिक्चर हो ले क्या, क्योंकि हम जीवन में जो देखा उसी से कंपेयर करते। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या करूँ, यहाँ मुझे कहाँ बैठना है, क्या करना है, ये सब क्या जगह है। तो मुझे जैसे एक रोशनी की किरण आई, उसने ऐसे डायरेक्शन दिया कि यहाँ, तो जैसे मैं उसको समझ गई कि वो कह रहे कि यहाँ बैठ जाओ, तो मैं हूँ तो सितारे जैसी, लेकिन मैं वहां सेट हो गई। तो
मैंने ये है क्या, फिर भी समझ नहीं आ रहा, आगे पीछे देखो तो सब सितारे सितारे दिख रहे मुझे अरेंजमेंट में, ऐसे सितारे जैसे सीटिंग चेयर लगी हो ना इस तरह सितारे सेट हो गए हुए, तो मुझे पहचान में भी आ रही है ये सितारा जैसे मेरी बहन का है, ये सितारा मेरे फला फ्रेंड का है, ये सितारा मेरे फला रिलेटिव का है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे सब सितारे ही है, हाँ सितारों की तरह दिख रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। तो मैंने कहा ये सब कर क्या रहे हैं यहाँ बैठ करके, हम क्यों आए हैं यहाँ पर। तो मैंने देखा कि उनको मैं ऐसे सूक्ष्म शरीर के रूप में मतलब महसूस आकृति कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि वो सबका ध्यान सामने है। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं सामने, मैं भी देखूं। तो सामने देखा तो ये कितना सुंदर दिव्य सितारा जिसको हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, चैतन्य सितारा, ऐसा आनंद का उससे जैसे लहरें आ रही, कोई झरना बहता है तो ठंडी ठंडी फुहारे आती है ना, इस तरह उससे दिव्य आनंद की, शांति की, ऐसी प्रेम की, ऐसी अनुभूति की लहरें आ रही थी कि मतलब पूरी भरपूर हो गई उसको देखते ही, और एकदम से निकला जैसे बस यही चाहिए था, यही देखने के लिए तो हम आए, यही पाना था, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं सारे फिर, चलो अच्छा हो मैं भी आ गई, तो यही अच्छा लग रहा है मुझे, और ये मैंने महसूस किया। तो उसके बाद मुझे अचानक लगा कि ये सितारा जो है ना जो पास में बैठे हैं उनकी चमक ज्यादा है, और वो इसलिए है कि वो पास में सितारे के पास है, उससे एनर्जी बढ़ रही है ना, इसी से उनकी शायद चार्जिंग हो रहे हैं और या कुछ लाइट ज्यादा हो रही है, और पीछे वाले वो डिम दिख रहे हैं। तो मेरे मन में एकदम सवाल आया कि मैं जैसे जीवन में पढ़ाई में आगे फर्स्ट लाइन में बैठती थी, थोड़ा भगवान की कृपा से थोड़ा इंटेलिजेंट थी, तो मुझे लगा कि यहाँ मैं ना गिनती हूँ कि एक दो तीन तीसरी लाइन में बैठी। तो मैंने एकदम से मन में सवाल आया कि मैं अगली लाइन में बैठ जाऊँ, तो फिर जैसे वो सामने सितारा है ना उसमें शब्द आए मेरे पास तैरकर उस किरणों के, एकदम जो लहरें आई ना उसकी, तो वो कहते हैं कि आप तुझे पहली लाइन में बैठना है। मैंने कहा हाँ मेरे को तो वहां बैठना है क्योंकि वहां से ये बहुत ज्यादा प्राप्ति हो रही है ना, आपके पास से जो आ रहा है वो सब ज्यादा मिलेगा। तो कहता है कि अच्छा तो उसके लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा पढ़ने में बहुत मेरे को रुचि है और मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को पढ़ने से कोई गुरेज नहीं, मैं तो बहुत पढ़ाई करी है, देखो पहले भी मैं डॉक्टर बन चुके हैं, और क्या पढ़ना होगा मुझे। तो कि तुम जाओ तुम्हें पढ़ाई और करनी पड़ेगी तो फिर तुम पहली लाइन में बैठ जाओ। और उसने वो फिर वापस से वही शब्द कह दिया कि जाओ पढ़ाई करो। तो अब वो पूछ तो नहीं पाई मैं कि क्या पढ़ना है कहाँ पढ़ना है, और मेरा अस्तित्व वहां से वो सीन सारा खत्म हो गया और मैं वही घर में बैठी हूँ और ध्यान कर रही थी। इस तरह से मेरे को लगा यार ये क्या देखकर आ गई मैं, पर मुझे अब समझ में आ गया कि वो जो शब्द आए थे ना वो वही फ्रिक्वेंसी वाले थे जो उस दिन मुझे बॉडी में घुसी थी। तो इसने मुझे ये वेरीफाई कर दिया कि वो शक्ति एक सितारा है जिसने मुझे अंदर घुसाया, बाहर निकली, उससे मैं मुलाकात करके आई हूँ आज, ये बहुत बड़ी बात रही। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि भगवान जो है वो एक सितारा है और वो भगवान का यहाँ कोई घर है, वहां पे हम भी जाते हैं रहते हैं और वहां उससे इतनी एनर्जी प्राप्त करते हैं, वह इतना आनंद से भरते हैं, वहां से हमको ये एनर्जी मिलती है और वही हमें यहाँ मिल जाती है। तो ये मेरे को जीवन में लक्ष्य मिल गया। अब उसके बाद भी मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हमारी में, लेकिन वो सारी आज के इस वार्तालाप में नहीं बता सकती हूँ, वो मैंने अपनी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बुक लिख दी है और वो बुक अमेज़न पे फ्लिपकार्ट पे अभी निकलता है, वो माय एनकाउंटर विद ट्रुथ, मतलब मेरा ट्रुथ से सामना हुआ, सत्य से कैसे सामना हुआ। तो और हिंदी में जो बुक अवेलेबल है वो इंडिया में हार्ड कॉपी अवेलेबल है, ई बुक दोनों की अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी बुक का नाम है अनुभूत सत्य। तो वो उसमें मैंने सारी डिटेल फिर किस तरह मैं इस यात्रा में आगे बढ़ी और कैसे फिर मेरे को भगवान ने ये प्रमाणित किया कि वो ब्रह्मा कुमारी में आए हुए, और ये सारी घटनाएं आगे क्रम चलता रहा, और फिर उस भगवान का साथ पाकर मैं उससे रोज जुड़ना सीख गई और कैसे जीवन उन्होंने मेरा बदल दिया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गई। पूरा स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जीवन यात्रा जो मेरी लगी और उसके बाद आज मुकाम तक क्या क्या मेरी अनुभूतियाँ बहुत सारी है, ये सब मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो आप पूरा विस्तृत विवेचन पाएंगे कि कैसे जीवन में एक एक स्टेप पे भगवान ने मुझे कितना विस्तार से समझाया
ये आज मैं जब चलती फिरती देखती हूँ तो मुझे लगता है हम सब आत्माएं हैं और बच्चों की तरह इन पिंजरों का बोझ लेके घूम रही है। तो हर वक्त यही एक जिज्ञासा रहती है, हर वक्त ये दिल में रहता है, सेवा तो मुझसे ऑटोमेटिक होती रहती है। ये बाबा कहते हैं ना, वो मेरे को हर वक्त लगता है इसे भी याद दिला दो, अरे अपने पिंजरे के साथ घूम रहे हो तुम। अनुभव सत्य है तो कि हमको पता चल रहा है कि अनुभव एक सत्य होता है, तो सत्य का हमें पता चल रहा है। तो ये जो है सारा जीवन यात्रा रही और आज उसी की बदौलत देखिए ये संस्थान भी जो बनवाया भगवान ने, निमित्त बना करके यहाँ बनाया। यहाँ मुझे लगता था कि ये गांव वालों की सेवा भी होनी चाहिए, क्योंकि गांव में ये बात अब तक नहीं पहुंची है कि भी भगवान आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे गांव छूटे हुए हैं। तो यहाँ के स्थान के लिए भी इस स्थान को सेवा के लिए बनाया और यहाँ भी आध्यात्मिक जागृति आप भी आते हैं, हम करते ही रहते हैं। तो ये था मेरा एक सारांश में अनुभव का वर्णन और मुझे उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर अनुभव था करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आज आपने ये अनुभव हमारे हेल्प करके आपने रिकॉर्ड करवाया है। ये बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है इसके लिए, शायद पिछले जन्म में आपने बहुत तपस्या की, भक्ति करी है। ये मुझे भी लगता है कि कोई मेरे पुण्यों का फल है जो मेरे साथ अनोखी बात की, क्योंकि पहले भगवान ने अनुभव करा दिया, पहले राजयोगी बना दिया और फिर वर्णन किया उसका कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हम किसी साधु सन्यासी से पहले सुनते थे तो हमें बहुत आश्चर्य होता था, लेकिन आपने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारा हमें माल बढ़ गया इस चीज का। इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। शांति।